अयोध्या मंदिर के निर्माण के लिए हर कोई अपनी क्षमता के मुताबिक चंदा यानी दान देकर अपना सहयोग कर रहा है। सहयोग देने में राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, बॉलीवुड से जुड़े लोगों समेत आम व खास सभी आगे आ रहे हैं। यहां आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए जारी चंदा अभियान के तहत अक्षय कुमार ने भी चंदा दिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान करने की अपील की है। अपील करते हुए अक्षय ने कहा कि अब हमारी बारी है। फिलहाल अभी ये नहीं पता चला कि उन्होंने कितना चंदा दिया है। बताते चले कि भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन संचय अभियान की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें तमाम लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसकी जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा की है। बता दें कि उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। अब योगदान की बारी हमारी भी है। मैंने शुरुआत कर दी है, उम्मीद है आप भी साथ जुड़ेंगे। जय सिया राम। साथ ही अक्षय ने अपने वीडियो मैसेज में एक किस्से का जिक्र किया है, जिसमें वो अपनी बेटी को राम सेतु निर्माण के दौरान की एक कहानी सुना रहे हैं। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे। तो जी, ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों पर। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूँ शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। इस दौरान अक्षय ने कहा कि जब एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमंदर। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समंदर में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। अक्षय ने अपने मैसेज में यह भी कहा कि आज हमारी बारी है, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद इसकी शुरुआत करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। बताते चले कि इस अभियान की शुरुआत 14 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। उन्होंने राम मंदिर के लिए सबसे पहले 5 लाख रुपए का चंदा दिया था और अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। राष्ट्रपति कोविंद के चेक के माध्यम से यह धनराशि चंदा ट्रस्ट को सौंपी थी। इसके बाद से लेकर अब तक कई राज्यों के सीएम, सांसद, कारोबारी से लेकर आम आदमी तक अपनी क्षमता के अनुसार भव्य निर्माण के लिए चंदा दे रहे हैं। बताते चले कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, ऐसे में देश भर से लोगों से चंदा लिया जा रहा है, जो एक अभियान के तौर पर चल रहा है। इस निधि समर्पण अभियान में बॉलीवुड से संभवतः पहली भागीदारी देते हुए अक्षय कुमार ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वे देशवासियों से राम मंदिर के लिए चंदा देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि अक्षय ने कितना चंदा दिया इस बात का खुलासा नहीं किया है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.